A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Changed Situation. Changed ka matlab hota hai badli hui. Situation ka matlab ho gaya sthiti. Yani badli hui sthiti. On Pakistan frustration with the तालिबान. और फिलहाल पाकिस्तान ने अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन जो है, वो चिंता दिखाई है किसको लेकर, तालिबान को लेकर. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. पाकिस्तान्स फ्रस्ट्रेशन, पाकिस्तान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है, हताशा दिखाई है विद द तालिबान रिस्पॉन्स, कि तालिबान ने क्या किया, अभी रिस्पॉन्स किया है किसको लेकर, टू इट्स सिक्योरिटी चैलेंजेस इज एविडेंट. और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसके लिए अभी फिलहाल उसके लिए जो सिक्योरिटी चैलेंजेस बने हुए हैं, सिक्योरिटी जो सुरक्षा संबंधित चुनौतियां जो बनी हुई है पाकिस्तान के लिए तालिबान की तरफ से, तो वो चैलेंजेस साफ साफ एविडेंट दिखाई पड़ते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ते हैं. और जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी क्या दिखाई पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर दिखाई पड़ती है. एक्चुअली हुआ क्या था, वो चीज हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन द तालिबान कैप्चर, और जिस वक्त तालिबान ने काबुल के ऊपर हम क्या किया था, कैप्चर किया था, कब्जा किया था, इन अगस्त 2021, अगस्त के महीने 2021 के अंदर तालिबान ने क्या किया था, पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था. देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने कहा था अफगान हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, कि जो अफगान लोग हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शैकल्स का मतलब होता है जंजीरे, तो उन्होंने क्या किया है, ये जो स्लेवरी है, स्लेवरी गुलामी हो गया, तो गुलामी की ये जो जंजीरे हैं अफगान ने क्या कर दिया है, तोड़ दी है. तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इमरान खान ने, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस टाइम दी थी जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था. इवन वाइल, मतलब उस अगर देखा जाए, इसके बावजूद भी द तालिबानी विक्ट्री गेव सम जियोपॉलिटिकल एडवांटेज टू पाकिस्तान. और ऑब्वियसली बात है, तालिबान ने जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो इस कब्जे से, यानी तालिबान की इस जीत से, पाकिस्तान को क्या मिला था, थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक एडवांटेज, फायदा उसको मिला था. It also enhanced Islamabad security challenges. लेकिन at the same time ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, जिस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था तो पाकिस्तान को कुछ geopolitical advantage तो हुआ था, लेकिन at the same time इस बात ने इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया था, कुछ सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी खड़ी कर दी. And पाकिस्तान growing frustration, और अब वक्त रहते पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसकी निराशा है, जो उसकी टेंशन है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है विद द रिस्पॉन्स ऑफ द न्यू अफगान. क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए जो अफगानिस्तान के जो न्यू रूलर्स हैं, कौन है न्यू रूलर्स, तालिबान वाले जो रूलर्स हैं, उन्होंने अपने रिस्पॉन्स के अंदर कहा है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है पाकिस्तान को लेकर टू दीज चैलेंजेस. कौन से चैलेंजेस की बात की है, जो पाकिस्तान इस बात को बोल रहा है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस है किसको लेकर, अफगानिस्तान को लेकर. तो इस बात का रिस्पॉन्स करते हुए अफगान के रूलर ने कहा, ब्रश इनटू द ओपन ड्यूरिंग द वीकेंड व्हेन पाकिस्तानी मिसाइल स्ट्रक इनसाइड पाकिस्तान. मतलब क्या था, पाकिस्तान की एक मिसाइल थी जो क्या थी, वो अफगानिस्तान के अंदर क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है. ब्रस्ट का मतलब हो गया फट जाना. और इसी रिस्पॉन्स में तालिबान के जो रूलर्स हैं, अफगानिस्तान के जो रूलर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, टारगेटिंग दी तालिबान पाकिस्तान TTP. और उन्होंने क्या किया जाए, जो अफगानिस्तान के जो रूलर्स हैं उन्होंने क्या किया है, TTP, ये हो गया तहरीक अ
तालिबान पाकिस्तान, ये एक रेबेलियन ग्रुप है, ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है, जो कि क्या है, एक ग्रुप है, एक टेरर ग्रुप कह सकते हो आप जिसको। तो उन्होंने उसको टारगेट करते हुए इन्होंने अफगानिस्तान के जो अफगान के जो रूलर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं टीटीपी को टारगेट किया है। ड्यूरिंग द अमेरिकन प्रेजेंस, और जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट था उस टाइम पाकिस्तान हैड अडॉप्टेड अ ड्यूल अप्रोच। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, एक दोहरी एक अप्रोच अपनाई हुई थी, एक दोहरी पाकिस्तान ने अपना एक दोहरा रवैया अपनाया हुआ था उस टाइम। फाइट द टीटीपी, यानी वो दिखाने के लिए क्या करती थी, जो तहरीन और तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि एक टेरर ग्रुप है एक तरीके से, जो इंसर्जेंट ग्रुप है, उसके साथ वो फाइट करती थी, बेटर नोन एज पाकिस्तान तालिबान। और इसी टीटीपी को क्या बोला जाता है, पाकिस्तान तालिबान बोला जाता है, जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है एंड सपोर्ट द अफगान तालिबान। और अफगान तालिबान क्या है, ये भी एक इंसर्जेंट ग्रुप है। टीटीपी कहां पर ऑपरेट होता है, ज्यादातर ये पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ये ऑपरेट किया जाता है एट द सेम टाइम। और अफगान जो तालिबान है ये भी एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी एक दोहरी रवैया अपनाने की बात की। इट्स बैकिंग वॉज क्रुशल इन अफगानिस्तान तालिबान रिटर्न टू काबुल। और ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान तालिबान को उसने सपोर्ट किया, क्योंकि उसी के बलबूते क्या हुआ, तालिबान ने अपना कब्जा जमाया कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, मतलब अफगान तालिबान को एक तरीके से सपोर्ट भी किया था। बट द फैक्ट दैट एंड इंसर्जेंसी का मतलब होता है एक तरीके से वैसे एंड ऑर्गेनाइज रेबेलियन मतलब विद्रोह, फाउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ दियोबंदी मदरसा स्टूडेंट। और दियोबंदी कोई जगह उसके वहां के मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया था, इस इंसर्जेंसी जो ये ग्रुप था, जो एक इंसर्जेंट ग्रुप है, इसको क्या किया था, फाउंड किया था, इसको ढूंढा था एंड फोर्स द यूएस। और इसी इंसर्जेंस ग्रुप ने, मतलब ये अफगान तालिबान अगर देखा जाए, जो इंसर्जेंट ग्रुप है, इस इंसर्जेंट ग्रुप ने क्या किया था, यूएस को फोर्स किया था कि जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल एक मिलिट्री पावर है, और उसको क्या किया, विथड्रॉ, पीछे हटने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान उसको फोर्स किया था। वॉज अ मॉरल बूस्टर फॉर द टीटीपी। और इसने क्या किया कि अगर ये अफगान तालिबान क्या कर सकती है, इतने बड़े अमेरिका जैसे देश को, पावरफुल कंट्री को धकेल सकती है पीछे की तरफ अफगानिस्तान से निकलने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जो अनदर एक दूसरा इंसर्जेंट ग्रुप था टीटीपी, उसके लिए एक मॉरल बूस्टर था, जिसने उसके मॉरल को, उसका जो एक मतलब एक कॉन्फिडेंस है, उसको और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, हेड ब्रोकन हो गया आपका, हेड के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया आपका। इनहेंस्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो द मोस्ट, ये अपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया। जनरली सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। द अफगान तालिबान जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है एंड टीटीपी, ये दूसरा क्या है, ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है। मे बी टू ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है ये दो अलग अलग मतलब क्या इंसर्जेंट ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, बट दे आर आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स। लेकिन अगर उनके विचार संबंधी अगर बात की जाए, सजेस्टिव ऑफ आइडियाज आइडियोलॉजिकल, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के हिसाब से ये दोनों ब्रदर्स हैं, भाई हैं। बोथ हैव देयर रूट्स इन दियोबंदी इस्लाम। और ये दोनों के दोनों जो इनकी जो जड़े हैं ना, दियोबंदी इस्लाम्स के अंदर इसकी जड़ें पाई जाती है। बोथ शेयर द सेम वर्ल्ड व्यू, और दोनों ही मतलब इस दुनिया के लिए जैसा उनका दृष्टिकोण है, वर्ल्ड व्यू है, सेम दृष्टिकोण है दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का, चाहे वो अफगान तालिबान हो, चाहे वो टीटीपी हो। एंड हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव फॉर डिफरेंट जियोग्राफीज, और मतलब जो अलग अलग भूगोलिक जो जगह है उनके लिए दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो दोनों के जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो एक जैसे हैं। इफ द अफगान तालिबान
अगर अफगान तालिबान जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है वांटेड टू री एस्टेब्लिश द इस्लामिक एमिरेट्स इन अफगानिस्तान, अगर मतलब ये जो अफगान तालिबान जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है अगर वो अपने इस्लामिक अमीरात को दोबारा से क्या करना चाहता है, री एस्टेब्लिश करना चाहता है, उसको पुनः स्थापित करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, टीटीपी वॉन्ट्स टू ब्रिंग डाउन द पाकिस्तान स्टेट। और तो टीटीपी क्या चाहेगा, जो पाकिस्तान जो स्टेट है उसको वो क्या करना चाहेगा, वो डेमोलिश करना चाहेगा एंड एस्टेब्लिश इट्स इस्लामिक रूल। और टीटीपी वहां पर पाकिस्तान के अंदर अपना इस्लामिक रूल को क्या करना चाहेगा, वो भी अपना स्थापित करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं टीटीपी लगा लो चाहे फिर अफगान तालिबान लगा लो, ये दोनों ही क्या टेरर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनको इंसर्जेंट कह सकते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स कह सकते हैं हम इनको। एंड पाकिस्तान सपोर्टेड द अफगान तालिबान फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस। और पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तानी अफगान तालिबान जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है उसको क्या किया था, सपोर्ट किया था किसके लिए, अपने जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए, यानी जो अपने भू राजनीतिक जो फायदे हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान ने अफगान तालिबान जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है उसको क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था। द जनरल सर, और जो मतलब जो जनरल है साद तालिबान एज इंसर्जेंट अगेंस्ट ग्रोइंग इंडियन इन्फ्लुएंस इन यूएस बैक्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। और जितने भी जर्नल्स हैं उन्होंने देखा कि तालिबान के अंदर फिलहाल देखा जाए तो मतलब जो जिस वक्त इंडिया यूएस बैक्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर क्या था, इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और उस टाइम अमेरिका क्या था, अमेरिका उसको सपोर्ट करता था अफगानिस्तान को, तो उस टाइम उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए क्या किया गया था, जनरल ने देखा कि इसको क्या किया जा सकता है, इंडिया के उस इन्फ्लुएंस को कम करने के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम वॉज द व्हील ऑफ जिहाद, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना जिहाद की प्रॉब्लम है, जिहाद क्या है, जिहाद एक तरीके से जो मुस्लिम जो विचारधारा है उसको प्रमोट करना, उसको आप जिहाद कह सकते हैं, विच द पाकिस्तानीज हेल्प अनलीज इनसाइड अफगानिस्तान। और जिसने पाकिस्तान ने क्या किया अफगानिस्तान के अंदर उसको अनलीज किया है, एक तरीके से रिलीज किया है और जिहाद को प्रमोट करने की कोशिश की है, इज दैट इट कुड ऑल्सो रोल बैक अक्रॉस द बॉर्डर। और कहीं ना कहीं मतलब अगर ये अफगानिस्तान के अंदर उसको अनलीज करने की कोशिश की है जिहाद को, तो वो रोल बैक करके लुढ़क कर वो कहां सकता है, बॉर्डर की तरफ भी आ सकता है, पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है। बोथ कंट्रीज शेयर अ पोरस 2,500 किलोमीटर लैंड, पोरस का मतलब हो गया वैसे क्वाइट लेंथी, एक बहुत लंबी सीमा क्षेत्र कह सकते हो, यानी 2,500 किलोमीटर का एक ऐसा लंबा क्षेत्र है जो कि दोनों कंट्रीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट डिवाइड्स द ट्राइबल एरियाज, जो कि वहां के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको क्या करता है, डिवाइड करता है, उनको अलग करता है, ऑफ द रीजन ऑल्सो फर्टाइल ग्राउंड फॉर दी तालिबान आइडियोलॉजी। और ये खासतौर पर अगर देखे जाए तालिबान की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसके लिए महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहां पर जनरली इस तरह की जो इंसर्जेंसी वाली जो एक्टिविटीज होती है वहां पर होती है। और ये दोनों के दोनों पाकिस्तान हो गया और तालिबान हो गया 2,500 के करीब मतलब जो एक सीमा क्षेत्र है उसको शेयर करते हैं। अर्लियर पाकिस्तान यूज टू शेयर इंटेलिजेंस विद द यूएस फोर्सेस, पहले क्या करता था पाकिस्तान जो अपनी इंटेलिजेंस है, खुफिया जो चीजें हैं वो अमेरिका के साथ शेयर करता था इन अफगानिस्तान के अंदर, विच कैरिड आउट अटैक्स अगेंस्ट द टीटीपी। और वो क्या करता था जिससे पाकिस्तान को क्या करते थे, पाकिस्तान को हेल्प मिलती थी अमेरिका से जिससे कि वो टीटीपी के अगेंस्ट क्या कर सके, अटैक्स कर सके। नाउ लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान हैज डिपेंडेंट ऑन तालिबान टू क्रैक डाउन ऑन द टीटीपी, लेकिन अभी अफगानिस्तान मतलब अभी जो पाकिस्तान है वो टीटीपी को क्रैक डाउन करने के लिए, टीटीपी को क्या करने के लिए, डेमोलिश करने के लिए अब वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, तालिबान के ऊपर डिपेंड हो गया। और वो उम्मीद करता है कि तालिबान उसकी मदद करेगा जिससे कि टीटीपी जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है उसको खत्म करने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए पाकिस्तान उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान यानी तालिबान उसकी मदद करेगा। देयर रिलेशनशिप हैज ऑल्सो चेंज, और वक्त रहते अगर देखा जाए तो अभी तालिबान यानी अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है उनके रिलेशनशिप के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आए हैं, वक्त रहते उनके रिश्ते में भी काफी बदलाव आया है।
So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. To re-establish का यहाँ पर two plus V1 आपने use कर लिया, जो कि आपका infinitive case हो गया. Could आपका modal verb हो गया. उसके बाद आपने rollback use कर लिया, जो कि V1 है आपका. इसके बाद used to. देखो used to आपका past repeated action को बताने के लिए use किया जाता है. और उसके बाद share use कर लिया two plus V1, जो कि आपका infinitive case है. Has to प्रेजेंट कंपल्शन को बताने के लिए किया जाता है और डिपेंड अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन को लेकर चलता है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड. इफ द तालिबान वर डिपेंडेंट, अगर तालिबान मतलब अगर डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर. अगर तालिबान डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, आश्रित है पाकिस्तान के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल. अगर तालिबान अगर अपना सर्वाइवल चाहता है तो उनको पाकिस्तान के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहना है ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी. इंसर्जेंसी मतलब एक तरीके से जब मतलब ये जो विद्रोह होता है एक तरीके से, उस विद्रोह के अंदर तालिबान को भी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है. दे आर नाउ द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान. और अभी जो ये तालिबानी जो रूलर्स है वो फिलहाल अफगानिस्तान के रूलर्स बन चुके हैं. एंड वट दे नीड ए सपोर्ट. अब वो फिलहाल क्या चाहते हैं, वो सपोर्ट चाहते हैं, एक सहारा चाहते हैं. एंड रिकग्निशन देयर रिजिम. और वो चाहते हैं कि उनको एक अक्नोलेजमेंट मिले, उनको एक पहचान मिले, उनके शासन को क्या मिले, एक पहचान मिले. तो वो ये चीज चाहते हैं. दिस चेंज इन अप्रोच. अभी फिलहाल ये जो उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो विचारधारा है, उसके अंदर ये चेंज है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है. वो इज विजिबल इन द तालिबान वार्निंग. अब तालिबान ने इस बात की चेतावनी भी दी है दैट दे वुड रिटालिएट इफ पाकिस्तान कैरीज आउट मोर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स. और अगर उन्होंने एट द सेम टाइम मतलब उनकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर चेंजेस भी हुए हैं. एट द सेम टाइम अब जो तालिबान के नए रूलर्स हैं उन्होंने इस बात को भी बोला कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करता है तो वो क्या करेगा, वो रिटालिएट करेगा, वो इस चीज का रिवेंज लेगा, बदला लेगा. नन ऑफ दिस डेवलपमेंट सजेस्ट. और इस तरह की ये जो अभी फिलहाल ये जो प्रतिक्रियाएं हैं उन डेवलपमेंट का प्रतिक्रियाएं हैं, ये सुझाव देती है दैट देयर वुड बी अ कंप्लीट ब्रेकडाउन इन रिलेशनशिप. नन ऑफ दिस मतलब फिलहाल इनमें से जो कोई भी प्रतिक्रिया उस बात से ये तो दिखाई नहीं पड़ता कि जो अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ब्रेक डाउन आ जाएगा, कंप्लीटली वो खत्म हो जाएगा. हालांकि मतलब तालिबान ने इस बात की चेतावनी जरूर दी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, which dates back to Taliban founding early 1990. और 1990 के अंदर अगर देखा जाए तो उस टाइम पाकिस्तान और तालिबान यानी अफगानिस्तान के बीच में ये क्या हुआ था, ये एक तरीके से रिलेशनशिप डेवलप हुआ था. बट द टीटीपी फैक्टर, लेकिन ये जो टीटीपी फैक्टर है जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है, वुड रिमेन अ की फॉल्ट लाइन. और ये हमेशा से क्या करेगा, ये हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा किसके बीच में, मतलब पाकिस्तान और तालिबान के बीच में हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा. क्योंकि जनरली ये जो पाकिस्तान ये टीटीपी है वो क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के भी अंदर क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है. द तालिबान आर नॉट रेडी टू डिसऑन. डिसऑन का मतलब होता है रिजेक्ट करना द टीटीपी. और पाकिस्तान मतलब सॉरी तालिबान ने बिल्कुल तालिबान आर नॉट रेडी. और तालिबान किसी भी तरीके से फिलहाल तैयार नहीं दिखाई पड़ता है किसको, टीटीपी को डिस ऑन करने के लिए, टीटीपी को रिजेक्ट करने के लिए, यानी उसको एक तरीके से डिस ऑन करना रिजेक्ट करना उसको तालिबान अभी तैयार नहीं दिखाई पड़ता है. दे हैव ऑल्सो मेड इट क्लियर. और तालिबान ने इस बात को भी साफ साफ क्लियर कर दिया है दैट दे वुड नॉट रिमेन अ पाकिस्तान प्रॉक्सी फॉर एवर. और वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी नहीं रहेंगे कि पाकिस्तान जैसा चाहेगा वैसे वो हमेशा फॉलो करेंगे. तो उनका खुद का एक क्या है, उनका खुद का एक आइडेंटिटी है और वो उसके हिसाब से उनका एक खुद का एक रिजीम है, रिजीम है, शासन है उनका खुद. एंड दिस पॉजेस का डिस्प्ले करना फ्रेश सिक्योरिटी एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट. और इस तरीके के रवैया जो तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के लिए दिखाया है, तो इसने क्या किया है, पाकिस्तान के लिए जियो पॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक कुछ मतलब क्या कर दिया है, चैलेंजेस चुनौतियां पाकिस्तान के सामने प्रस्तुत की है. क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने रवैया दिखाया है,
which welcomed the Taliban triumph in Afghanistan just 8 months ago. और ये वही पाकिस्तान है जिसने क्या किया था, तालिबान का स्वागत किया था जिस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था 8 महीने पहले. तो ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान की इस बात के लिए सपोर्ट की थी और कहा था कि अब अफगान जो है वो उस जो गुलामी की जो जंजीरें हैं उससे आजाद हो चुका है. तो ये वही पाकिस्तान है जिसने क्या किया था, उस टाइम तालिबान का सपोर्ट किया था, राइट. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का हमारा. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट. देखो वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने वी वन यूज कर लिया, रिटेलिएट जिसका मतलब होता है रिवेंज लेना, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, वुड रिमेन ये भी आपका वुड के बाद आपने वी वन यूज कर लिया, राइट. टू डिसऑन, डिसऑन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है, राइट. So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.